हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये है खेत वाला हमारा सेकंड पार्ट और इसमें पूरी मस्ती भरा वीडियो है सारा, और सारा कुछ मैंने आपको रियल बताया है। इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है मैंने। तो देखिए, सब लोग नीचे उतर के जा रहे हैं नदी में। तो नदी में जा रहे हैं ना, और जो जाने वाली जगह है ना, हम लोगों ने चल चल के उसको स्लिप कर दिया है क्योंकि मिट्टी गीली है। और देखिए, मेरा बेटा तो गिर भी गया और मेरी बहनें दोनों उसको पकड़ के ले जा रही हैं। फिर भी गिर गया क्योंकि वो लोग कभी चले नहीं है ना ऐसी जगह पे। और देखिए कैसे पकड़ पकड़ के उनको नीचे ले जा रहे हैं, और बेबी को उसकी नानी छोटी वाली लेके चली गई हैं। और नदी देखिए कितनी भरी हुई है, और ये जो नदी है ना ऊपर तक आ जाती है, कुआं वगैरह पूरा प्लान हो जाता है। और मेरा भाई देखिए छोटा वाला वहाँ पर नहा रहा है जहाँ कम पानी है, क्योंकि गहरे पानी में जाने का सब लोग मना कर रहे थे, इसलिए हम लोग गहरे पानी में नहीं जाएंगे। तो चाचा बहुत मुश्किल से राजी हुए हैं कि हम लोग नहाने चले जाएँ। बोल रहे थे नहीं, कोई डूब जाएगा तो क्या करेंगे ये और वो। तो फिर भी चाची ने जैसे तैसे करके मना लिया, बोल रहे थे इधर इधर नहा लेंगे, उधर नहीं जाएंगी बेटियां। तो देखिए मेरी बहनें तो चली गई हैं, अब मैं भी जाती हूँ। और सारे लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, और बेबी को नहलाने के लिए बेबी को डर भी लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने कभी ये सब कुछ देखा नहीं है ना। कितना मज़ा आ रहा है, और नीचे सब लोग नहाने गए हैं। चलिए मैं भी जाती हूँ। देखो कैसे नहला रही उसकी नानी बेबी को और ईशु को उसके मामा। ज्यादा अंदर मत जाओ, बस इधर ही रहने दो। हाँ बेबी नहीं नहाना नहीं है। देखिए नहाने की जिद कर रही है, बहुत ठंडा है पानी। मैं पास से तो नहीं दिखा पाऊंगी, बहुत दूर तक है नदी। नदी तो आप लोग जानते हैं। बस रहे अंदर, ज्यादा लग नहीं जाए। चलिए तो हम लोग भी नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग मैं नदी में नहा के आ गई। बहुत मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और हम लोग देखिए अभी खेत में घूम रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना खेतों में, ऐसी ज़िंदगी हमारी सिटी में कहाँ। और देखिए मैंने कान वगैरह का निकाल दिया था क्योंकि डर लगता है ना, गोल्ड का है, नदी में कहीं गिर गया तो, चाची बोली। और मेरे होंठ में देखिए पता नहीं किस चीज़ ने कट कर लिया है, सॉइलिंग हल्की सी आ गई है। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। वो मेरी भाभी हैं, जा रही हैं वो हम लोगों के साथ। तो उधर जा रहे हैं हम लोग, उधर मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा पानी चल रहा है खेत में, और इतना मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और नहा लिया हम लोगों ने नदी में, और ये देखिए कैसी खाई है। नदी है हमारे खेत के बगल में, तो पानी चल रहा है वैसे मोटर से, बट इतना अच्छा लग रहा है। देखिए मुझसे चलते भी नहीं बन रहा है क्योंकि खेतों में हम लोग चलते नहीं है ना, एक्चुअली हम लोगों को आदत नहीं होती। और बेबी सू को तो इतना मज़ा आ रहा है, पूरी फुल फैमिली एंजॉय कर रही है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि वो लोग खाद बोलते हैं, खाद फेंक रहा है। वहाँ पर चलते हैं हम लोग, वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि खाद कैसे फेंका जाता है और हमारे इधर कैसे फेंकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये देखिए पीछे सारे लोग आ गए हैं, और खेत हमारा जो है ना गीला है, गीला है। बाबा पैर गड़ रहे हैं, पैर तो तुम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? वो मामी के पीछे से इधर से पैर गड़ रहे हैं। हाँ मैं गलत जगह से आ गई। देखो एक छोटी सी गुड़िया भी है भाभी की। तो चलिए रुको, हम लोग चढ़ जाएं, इसके बाद में बात करते हैं। अब हम लोग आ गए ऊपर, देखिए बहुत खाई थी और बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं, मैं इतना चल नहीं पाती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया ऐसे ऐसे करके चलती है पानी वाली। तो सभी लोग हम लोग उधर ही जा रहे हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना उनसे खाद पिघवा रहे हैं, वो भी फुल एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल अपने खेत का मज़ा। खेत पे जो मज़े हैं वो घर में कहाँ। और ये देखिए एक लंगूर कहाँ से आ रहा है, ये देखो ये देखो, कैमरा देख के छुप रहा है, ये देखो। आप बोलो। ये देखो ये है मेरा छोटा भाई। भैया नमस्ते तो बोल दो। नमस्ते। ये देखो राम जी की। ये सबसे छोटा भाई है मेरा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कहाँ चलेंगे रे। देख खेत फेंका जा रहा है मेरे हस्बैंड। देखो कितना मजा आया, देखो ये लोग नहा लिए। ये देखो ये या
ये देख लो सबसे बड़े किसान तो ये हैं, और इधर देखो ये देखो ये गरीब किसान गरीब कर्मचारी कर्मचारी और सेठ जे और सेठानी वो आ रही देखो बोरी लेके आ रही सेठानी और जूते ही देख लो सब देख लो 5,000 के जूता और ये देखो स्पोर्ट्स के जूते सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे देखो लाइन अभी नहीं अभी लाइन चलेगी वो खाद गल जाओ तो ना चलिए तो थोड़ी देर के बाद मिलती है तब तक के लिए बाय बाय और एंजॉय कराते हैं आपको। और देखिए मेरे हस्बैंड फेंक रहे हैं यहाँ पर खाद और उनको इतना मज़ा आया ना बहुत ज़्यादा, वो जब भी हमारे इधर आते हैं ना मम्मी के इधर बहुत एंजॉय करके जाते हैं। और देखिए आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो ना तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, जब आप मेरा चैनल खोलेंगे ना तो आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा उसको क्लिक करें और इसके बाद एक घंटे का निशान आएगा उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और इतना अच्छा वीडियो देने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जरूर जाएं। तो ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से फेंक रहे हैं जैसे कि एक किसान हो। और देखिए कैसे पूरा जहाँ जहाँ पानी हो गया है ना वहीं वहीं पर फेंक रहे हैं, एक्चुअली मुझे सही पता नहीं है बट शायद जहाँ जहाँ पानी हो गया है ना वहाँ वहाँ पर फेंक रहे हैं, सूखी जगह में नहीं फेंक रहे हैं शायद। तो देखिए कितने अच्छे से फेंक रहे हैं ये, और इनको ना हर काम की एक बहुत ज़्यादा लगन है और ये समझते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो यही सोच है मेरी और मेरे हस्बैंड की कि हर तरीके से ज़िंदगी को जिया जाए, कोई भी ज़िंदगी छोटी या बड़ी नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, हम लोग तो चिड़िया ही बोलते हैं और इंग्लिश में कुछ बोलते होंगे आप लोग सर्च मार लीजिएगा, मुझे पता नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से चलती है ना तो पूरे खेत में पानी ऐसे जाता है और इतना अच्छा लगता है ना ये जब चलती हैं तो इतना प्यारा लगता है ना वो देखने में कि बस ऐसा लगता है कि कोई वॉलपेपर हम देख रहे हैं या फिर इतनी नेचुरल चीज़ें ये लगती हैं ना, मतलब कि देख करके मन खुश हो जाता है। और हमारे खेत में ढलान ऊंची नीची जगह है ना मैं आपको दिखाती हूँ तो पूरा वॉलपेपर की तरह लगता है एकदम, और इतनी नेचुरलिटी है ना, इतना प्यारा लग रहा था खेत पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आज का वीडियो तो मेरा देख करके आप भी मेरी वीडियो के फ़ैन हो गए होंगे और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर देखते रहो कहीं और ना जाओ देखने के लिए क्योंकि इतनी जगह में पानी चल रहा है ना तो इतना अच्छा लग रहा है। और पूरा जंगल है, घना जंगल, क्योंकि नदियों के पास तो जंगल होता है और ये देखिए नदी इस तरफ भी है और नदी काफ़ी गहराई में है और देखिए पूरा जंगल है। अभी तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है लेकिन नाइट में रात में बहुत डर लगता है क्योंकि पूरा जंगल है और आसपास में घर नहीं है, यहाँ पर बड़ी वाली लाइट भी गई है ये हमारे खेत में से। तो ये देखिए और पास में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए वहाँ तक लाइटिंग गई हुई है। और ये देखिए मेरी बहन क्या कर रही है, देखिए क्या खा रहे हैं हम लोग, क्या खा रहे हैं देखिए, करौंदे, ये देखो करौंदे, हमारे इधर इनको करौंदे बोलते हैं। और ये देखो मेरी लिटिल सिस्टर तोड़ रही है उधर, यही खा रहे हैं हम लोग। और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, चलो बिट्टू चला जा, नहाया खाया सब कुछ किया आज पूरा दिन एंजॉय किया और शाम हो गई है तो अब निकलते हैं घर के लिए। और आज का वीडियो बस यहीं तक है और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मैंने आपको पूरी चीज़ें नेचुरल दिखाई सारी चीज़ें और देखकर आपका भी मन खुश हो गया होगा जैसे हम लोगों का हुआ वैसे ही। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और देखिए सारे लोग जा रहे हैं, ये देखो कोई कहीं कोई कहीं, कोई कुछ लेके कोई कुछ लेके इस तरीके से। और ये देखिए ये लोग ये मकोई तोड़ रहे हैं, मकोई इसको बोल रहे हैं, मकोई है खाने की चीज़। तो ये भुआ तोड़ रही हैं और हम लोगों को दे रही हैं और मैं अपनी वीडियो में सारी रियल चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, कोई भी बनावटी या दिखावटी नहीं है, इतनी रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। देखिए इस तरीके की होती हैं काली काली कुछ, और मैं पूरी चीज़ें आपको रियल दिखाती हूँ। मेरे जो वीडियोज़ हैं सारे वीडियो में कोई भी बनावटी सामान
मन नहीं है, इसलिए लाइक शेयर और कमेंट करें। और अभी के लिए बाय बाय।